दोस्तों, आज आपको बताऊंगा धारा का एक और वीडियो और एक धारा के बारे में। और उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैं ये धारा की सीरीज चलाया है, मैंने इसमें जो जैसे 300 अभी जो पिछले जो वीडियोस बनाई है वो है 307 है, 302 है, दो तीन वीडियो आ गई है। उस पर मैंने जस्ट ऊपरी सतह अभी टटोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बस ब्यौरा दे रहा हूँ उसके बारे में कि क्या चीज होता है ये, उससे क्या बचाव है, कैसे करना है, कैसे उस केस से निपटा जा सकता है अगर वो धारा निकलती है, लगती है आप पे तो, और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब सामने से आप उसके लिए लड़ सकते हैं, कैसे बचने के लिए लड़ सकते हैं, कौन सी धारा के सीआरपीसी, किसी के थ्रू मुझे कॉल आया, उदय भैया है, उन्होंने बताया था कि सीआरपीसी की धारा जो होती है वो हमें अगेंस्ट में लड़ने के लिए होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। अभी मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है उस पर, लेकिन ये ब्यौरा दे देता हूँ पहले ही, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि धाराएं क्या हैं, उस बचाव, उसको कैसे हैंडल करना है अगर आप पे लग जाती है तो, वो सब चीजें मैं बाद की वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि धाराएं होती क्या है, वो जितनी भी धाराएं हैं अपनी वो होती क्या है वो बता रहा हूँ आपको। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। आज बता रहा हूँ आपको 309 धारा जो है वो है आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, ये धारा है 309। इसमें जो है सीधे जो 309 के अनुसार अगर आप पे लगती है तो आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, ये आप पे अपराध करने का जो है आपके ऊपर चार्ज लगता है धारा। और इसके बाद जो है इसमें आपको जो सजा मिलती है, ये अपराध की श्रेणी में आता है आत्महत्या करना, ये अपडेट किया गया था जितना मैंने रिसर्च किया है, जब मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने शायद अपडेट किया है इस पे। तो उसके बाद ये अपराध करने की श्रेणी में आता है। और 1 वर्ष तक की कारावास है इसमें, जैसा कि मैं देख रहा हूं। आर्थिक दंड पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है आपको, और हो सकता है कि दोनों से दंडित किया जाए, आपको कारावास भी हो जाए और आपको दंड भी दिया जाए, आर्थिक दंड पेनाल्टी जिसको बोलते हैं वो किया जा सकता है। अब इस पे लागू अपराध क्या है, देखिए आत्महत्या करने का प्रयत्न करना है, ये मैंने आपको बता दिया। सजा 1 वर्ष सदा कारावास या आर्थिक दंड या दोनों आपको मिल सकता है। और ये बता दूं आपको कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते, इस पे केस नहीं लगाया जा सकता या सुनवाई नहीं होगी इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक जमानती है, मतलब जमानती हो सकता है, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है, विचार किया जा सकता है और वहां से आपको जो है बेल मिल सकती है अगर आप एडवोकेट वगैरह अगर आप करते हैं तो। हालांकि इस चीज पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी 309 का मतलब ये है, आप समझ लीजिए। तो फिलहाल इतना ही, यही था 309। जाते जाते फिर बता दो, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।